बच्चे को। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगत ने बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है, है? अरे तुझे बच्चा देगा कौन? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो उसे जहर दे के मार डाले। तू क्या जाने माँ की ममता? अरे माँ की ममता तो माँ जानती, अरे तेरे तो कुछ हुआ ही नहीं तो तू क्या समझे कि माँ होती क्या है? और बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला मोट खाई जावेगी। क्या जाने माँ, अरे माँ तो माँ जानती है, तू तो आज तक माँ बनी नहीं तो तू क्या समझे माँ होती क्या? और बोली एक बात और सुन, जिस नैना की उर्मी संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, पतिवीरता होती कैसी है पद चलन लुराई क्या जाने। अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया उसे जहर दे के तू मार डालेगा, क्या समझे माँ की ममता? अरे तू तो कभी माँ बनी नहीं तो तू समझ क्या पाएगी माँ होती क्या है? एक काम करे क्या, एक एहसान हम तेरे ऊपर कर रहे हैं। एहसान काई का, पूरी बात सुन ले। बोले एहसान हम ये कर रहे हैं, अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, खेतों पे जाके रहोगी खेतों पे, और वहीं हम एक झोंपड़ी डलवाएं, उसी में हम एक चाकी भी रखवा दें, और एक शेर जो रोज भिजवाएं, जो की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर है तो ठीक है, और नहीं मंजूर है तो तुम्हारी जाए इच्छा मां चली जा, मर भी जाओगी तुम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर की नहीं, हमारे खानदान की नहीं। ठीक है, जो उत्तान पाद ने छोटी रानी के ये शब्द सुने तो महाराज की आंखों से आंसू निकल आए। तो उत्तान पाद को रोता हुआ जब बड़ी रानी ने देखा है तो अपने पति के आंसू पोंछे, एक बात कही, महाराज आप क्यों रोए, आप क्यों रोए? अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें एक बच्चा नहीं देता? श्रीमन जो सोती हमसे के रही बासे न मोए कोई उजर, और एक शेर पति जो बहुत में तो ताई में कर ले गुजर। हे महाराज, एक शेर जो हमें मिलेंगे मेरी जिंदगी कट जाएगी, आप ना रो। चली है बड़ी रानी घर को छोड़कर के खेतों की तरफ, श्रोता बंधु आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, अपने पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही, मन में विचार आ रहे हैं, परमात्मा या तो कभी औरत का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उस स्त्री की कभी गोदी खाली मत रखना परमेश्वर, उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। और रोती हुई घर से चली है खेतों की तरफ, लेकिन दिल में विचार आ रहे कि आंखें में आंसू भर जाए और घर से महारानी चली।
यार छोटो एतन की रास्ता गई थी। चलिए घर को छोड़ करके खेतों की तरफ, दिल में बड़े विचार आते जा रहे हैं, रोती जा रही, आगे बढ़ती जा रही। उत्तान पाद उदास खड़े हैं तो छोटी रानी महाराज पे बकिया के दौरे फरी। क्या हुआ है? ये चेहरा उतर कैसे गया? अरे कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, कभी बात नहीं करोगे, समझ गई? चुपचाप उठे और घर के अंदर चले गए। छोटी रानी अंदर प्रवेश करेगी महल में, बड़ी रानी खेतों पे झोपड़ी डाल के रहने लगी। देखो एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग हो गई। दोनों की किस्मत में बदलाव आ गया। कितना अंतर आया दोनों में? इतना अंतर आया, एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े बढ़िया बढ़िया पौष्टिक भोजन खा रही तो दूसरी उधर जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। देखिए दोनों की किस्मत देखिए। छोटी रानी महल में उदासीन सनमे, बाहरी किस्मत। एक ही पति की पत्नियां हैं दोनों। एक दिन बड़ी रानी मन में विचार करती है और सोच रही है, मुसीबतों का सामना कर रही है। और एक बात और ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब प्राणी के सब सारे छूट जाते, जब अपने भी रूठ जाते, तो आदमी को बाद में आत्महत्या के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। देख लिया बड़ी रानी ने, मेरा दुनिया में कोई नहीं और ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जाती, तो मन में सोचती है इससे बढ़िया ये है कि मेरी मौत हो जाए, वो ही ठीक है। अब मरने के लिए रात के अंधेरी रात में जंगल के लिए भाग गई, लेकिन दिल में विचार आ रहे, परमात्मा मैंने आज तक अपने पति के बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा और आज मैं मरने जा रही हूं, लेकिन मुझे ये कहां पता था कि ये दिन मेरी जिंदगी में आएगा। आगे बढ़ी, सोच रही है कि क्या खबर थी हमें, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा, क्या खबर थी हमें, सोच रही एक दुख होता तो मैं उसे सहन करती, लेकिन भगवान ने तो हमें कदम कदम पे कष्ट दिया। पहला दुख
सुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाई छुटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा, क्या खबर थी हमें। मरने के लिए जंगल में भाग गई, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सुनसान अंधेरी रात है, मरने के लिए पानी खोजने लगे। अकस्मात देवर्षि नारद जो है वो सामने जाके खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें बोध नहीं है, बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक है, कोई सर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, पीछे चली जाओ। खड़ी हो, कहने लगी बाबा जी मैं तो मरने आई। तो नारद जवाब देने लगे बेटी पागल है, मरने आई है, बुद्धि खराब है तेरी, जो पत्ता एक बार डाली से छूट करके जमीन पे गिर जाता है वो पत्ता फिर दोबारा चाहकर भी उस डाली से नहीं जुड़ सकता। हे बेटी, इंसान क्रोध में आकर के अपनी आत्महत्या तो कर लेता है लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। जो लोग जहर खा के मरते, आग लगा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, मर तो जाते हैं लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं, अधोगति में भटकना पड़ता है। जब तक उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखे प्यासे दर